हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ बताने वाला हूँ अपने बारे में। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कब की थी, दूसरी मुझे अब तक कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स व्यू और कितने सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं, और तीसरी क्या मैंने गलतियाँ की कि मैं बहुत आगे नहीं बढ़ पाया और मेरे कम सब्सक्राइबर रह गए, फिर मैं फेमस नहीं हो पाया। हाँ, तो ये तीन चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यशपाल सिंह पे। सभी को मेरा राम राम, सलाम और राधे राधे, सत श्री अकाल पाजी, सभी ने मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज 13 जून है और फाइनली आज मुझे एक साल कंप्लीट हो गया मेरे यूट्यूब चैनल पे वर्क करते हुए। वैसे तो ये चैनल मेरा 2012 का क्रिएट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, लेकिन मैंने जो अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट की सिंगिंग करना, खुद लिख के गाना, वो मैंने 13 जून से स्टार्ट किया था भीगली सॉन्ग से, जो मेरा डेब्यू सॉन्ग था। और उसके बाद मैंने बहुत से गाने अपने यूट्यूब चैनल पे निकाले, कवर सॉन्ग भी गाए, फिर देश के लिए गाना गाया, फिर वन गाय वन वेट सिंग फॉर 20 सॉन्ग आपने सुना ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे मैंने कितने एक साल के अंदर कितने सब्सक्राइबर पा लिए और टोटल व्यूज़ मेरे कितने हैं, बाकी मेरे हर वीडियो पे देखिए वीडियो पे कितने व्यूज़ हुए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि आज मुझे एक साल कंप्लीट हो गया मेरे यूट्यूब चैनल पे और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी मेहनत तो मैंने की, लेकिन उसका परिणाम तो आपने दिया, आपकी वजह से मेरे वीडियो पे इतने व्यूज़ आए, इतने लाइक्स कमेंट जो भी आते रहते थे, हर वीडियो पे बहुत अच्छे लाइक कमेंट आए हैं, जिसमें मैं कुछ बताऊंगा। जैसे मेरा पहला डेब्यू सॉन्ग था भीगलू, तो भीगलू मैंने जब किया था 13 जून 2018 में और लाइक कमेंट भी बहुत ज़्यादा आए हैं। तो और फिर अगला मैंने गाना बनाया था वन गाय वन बीट सिंग फॉर 20 सॉन्ग, उस पर भी 4.6 के व्यूज़ आ चुका है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का, आपने मेरा सपोर्ट किया। और आज के समय में देखा जाए तो मेरे टोटल इस समय जो पूरे अगर कम बात की जाए तो मेरे टोटल व्यू हुए हैं 63,889 टोटल वीडियो मेरे जोड़ के, जो लाइक आपने व्यू दिए, सॉरी जो आपने व्यू दिए हैं वो आए हैं मेरे 63,889, जिसका आपको बहुत बहुत थैंक यू। और बढ़िया से बढ़िया कमेंट भी आते रहते थे बीच बीच में, मैं पढ़ पढ़ के भी आपको बताते रहूँगा। उसके बाद मैंने निकाला था मेड इन इंडिया, जो गुरु रंधावा का सॉन्ग था, जो 2018 में बहुत पॉपुलर सॉन्ग था, बहुत हिट सॉन्ग था मेड इन इंडिया, तो मैंने वो सॉन्ग निकाला था मेड इन इंडिया, बहुत बढ़िया गाना चला था गुरु रंधावा को भी, आपने सुना होगा मेड इन इंडिया लग दी है ब्रांड है तेरे कपड़े, तो ठीक है। उसके बाद मैंने हाँ उस पर भी अच्छे खासे व्यू गए थे, 3.6 के उस पर व्यू मिले हैं मुझे भी। और फिर मैंने निकाली ये दोस्ती, जिसमें मैंने खुद का भी कुछ लिरिक्स लिखा और बाकी अमिताभ बच्चन साहब का, अमिताभ बच्चन की साहब की जो मूवी थी शोले, बसंती और गब्बर जो था, क्या मूवी है यार, तुम एक बार फिर से देखो मूवी, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। और उसका शोले मूवी का ये गाना, ये तो उसके सबने सुना होगा, मुझे बहुत पसंद है। तो उसको मैंने एकदम निखार के एकदम नए अंदाज में बिल्कुल मेलोडी की तरह उसे बनाया, ये दोस्ती यशपाल सिंह चैनल पे आप जाके देख सकते हो। और फिर मैंने दो तीन लाइव शो वगैरह भी किए थे, तो यहीं मैंने गोरखपुर में तारामंडल पे। और उसके बाद मैंने एक भक्ति सॉन्ग गाया था प्यारा सजाए तेरा दौर बानी, जिसपे मुझे मिले थे 3.3 के व्यू, 3.3 के, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने लाइव परफॉर्मेंस करते रहा, फिर इसमें कुछ महीने पहले आया था जुबिन नटियाल का गाना चिट्ठी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना, कितने आशिक हैं यहाँ पे जिनकी चिट्ठी पते पे नहीं आई है, कमेंट करके बताओ मुझे। हाँ ठीक है, कमेंट करो यार मुझे, देख मैं भी देखूँ किसकी पते पे चिट्ठी नहीं आई। वैसे तो मैं जानता हूँ यार, जो देश ये देश के लिए जो लड़ते हैं ना, जो हमारे जवान होते हैं शूरवीर जवान, उनकी चिट्ठी यार पते पे जल्दी नहीं आती। तो मैं एक बार फिर से अपने देश के जो जवान हैं उनको सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये हम आज अपने देश में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो एक बार अपने देशवासियों के लिए सलाम, क्योंकि उनकी चिट्ठी शायद ही पते पे आती होगी, और वो तो साल साल भर यार बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, ठंड में रहते हैं, और हम तो यहाँ पर तब भी घर में उन्हीं की वजह से बैठे रहते हैं। तो उनका बहुत दिल तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद मैंने अपना एक खुद का फिर से गाना निकाला, नवाबों के बाप का, जो एक एल्बम सॉन्ग है, एल्बम में तीन सॉन्ग हैं,
नवाबों के बाप का शहर, फिर दूसरा यूपी लेवल ही, उस एल्बम यूपी लेवल है, उसका नाम भी यूपी लेवल, और तीसरा एक सॉन्ग और है जो मैं आपको सरप्राइज दूंगा, बात बताऊंगा। और तो ठीक है, नवाबों के बाप का शहर भी मैंने सॉन्ग निकाला था पिछले महीने, उस पर मुझे मिले हैं एक महीने के अंदर 12,000 व्यू मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक का सबसे ज़्यादा व्यू मुझे इसी वीडियो पर मिला है। और दूसरा जो था चिट्ठी फतेह पे आए ना चिट्ठी, उस पर मुझे भी मिल चुके हैं 2 महीने के अंदर 12K व्यू। तो आप सभी का प्यार बढ़ते हुए जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। और यूपी लेवल जो सॉन्ग है वो भी मैं इस महीने या नेक्स्ट महीने इसी मंथ के 20-25 तारीख के अंदर इस गाने को भी मैं लेके आऊँगा। वीडियो बहुत तगड़ी बना रहा हूँ। बाकी मैं मुझे पता क्या लगता है कि मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये चीज़ बता दूँ, यूपी लेवल जो सॉन्ग है 20-22 तारीख के अंदर मैं निकालूँगा, ठीक है। बाकी मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए बताता हूँ कैसे मैंने क्या स्टार्ट किया था। चलो हाँ जी, तो चलो तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या कारण था कि मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं आए, मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, क्यों वीडियो फेमस नहीं हो रही थी मेरी, और क्या क्या खराबी थी। तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे प्रमोशन ये इन सब के बारे में पता नहीं था, यूट्यूब प्रमोशन, यूट्यूब पे अपने गाने को प्रमोट भी कर सकते हैं। मैं तो ये समझता था कि मतलब गाने मैंने लिखे गाए फिर यूट्यूब पे ऐसे डाल दिया तो फेमस हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। YouTube कहता है कि अपने गाने को प्रमोट करो, कहता नहीं है लेकिन होता है ऐसा, मैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बड़े बड़े जैसे मैंने सिंगरों को देखा है बड़े बड़े लेवल पे जो गाने निकलते हैं वो अपने गाने को हर जगह प्रमोट करते हैं। देखा होगा आपने सावन गाना फिर वगैरह वगैरह जियो ट्यून इन सब वगैरह पे अपने गाने को डालते हैं और प्रमोट भी करते हैं, ताकि जैसे जो बड़े बड़े जो वेबसाइटें होती हैं वहाँ पे देखा होगा आपने ऐड करके आता होगा छोटा छोटा सा ऐड करके, तो वहाँ पे भी उनके गाने प्रमोट होते रहते हैं, वो गाने चल रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर कोई अपना आप गाना निकालते हो तो बड़े चैनल पे ना छोड़ के छोटे जो चैनल होते हैं टीवी चैनल या फिर वेबसाइट वगैरह होते हैं उन पर आप बात करके उनके चैनल से बात करके आप उस पर अपने गाने को प्रमोट करवा सकते हो, जिसको आपको बढ़िया से बढ़िया सब्सक्राइबर व्यूज़ मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ अपने वीडियो के कंटेंट को सुधारिए, जहाँ तक मैंने देखा कि मेरे वीडियो में इतना कंटेंट सही नहीं होता था, वीडियो क्वालिटी सही नहीं होती थी, तो वीडियो क्वालिटी और कंटेंट बढ़िया रखिए। कि ट्रेंडिंग में चल क्या रहा है इस समय आजकल, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो वैसी वीडियो बनाओ, या तो अगर आप सिंगिंग करते हो तो आजकल अपने आसपास का कल्चर देखो कि वो जनरेशन चाह क्या रही है, आपसे कैसा गाना सुनना चाह रही है, मांग क्या रही है। पहले के ज़माने में होता था मुगले आजम जमाने होते थे तो उनके गाने बजते रहते थे, लेकिन आजकल क्या, आजकल हिप हॉप EDM ये सब सॉन्ग वगैरह का जमाना चल गया है, तो आप इन सब कुछ इन सब चीज़ों को देखते हुए EDM हिप हॉप सॉन्ग बनाओ। और मैं तो ये कहूँगा कि कवर सॉन्ग को बनाने से बढ़िया है कि आप अपना खुद का सॉन्ग लिखो, खुद की सॉन्ग बनाओ, खुद के सॉन्ग लिखो और खुद के सॉन्ग बनाओ, उन्हें गाओ और उन्हें प्रमोट करो, क्योंकि उससे आपको आप बहुत जल्दी फेमस हो सकते हो और आपका नाम बनेगा, ना कि जो जिसका गाना है। कवर सॉन्ग में क्या होता है कि कवर सॉन्ग हम गा देते हैं जल्दी, गाना तो रन कर जाता है, व्यू बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन गलती कहाँ कर बैठते हो, वहाँ आपका नाम नहीं होगा, वहाँ पे आप नहीं हिट होते हो, वहाँ पे कौन हिट होता है, जिसका ओरिजिनल गाना होता है। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आप हिट होना चाहते हो तो आप खुद का गाना बनाओ, खुद से लिरिक्स लिखो, खुद से गाओ और उसे फिर उस गाने को यूट्यूब पे अपलोड करो, प्रमोट करो। तीसरी चीज़ उस वीडियो की क्वालिटी देखो, मतलब अगर आप वीडियो बनाते हो तो वीडियो क्वालिटी एकदम एक नंबर तगड़ी रखो। और मैं तो ये कहूँगा अधिकतर लोग क्या होते हैं कि मतलब लिपसिंग होता है ना कि वीडियो बनाई और फिर लिपसिंग वगैरह इधर उधर जाके कर दी तो गाना बन गया, नहीं, गाने में अगर आप खुद का गाना बनाना है तो गाना बनाओ, लिपसिंग भी करो, लेकिन साथ में उसके स्टोरी दो कि हाँ मतलब इस गाने में ये अगर आप कोई वीडियो बना गाना बना दिया आपने और उस गाने पे की स्टोरी लिखो छोटी सी बढ़िया, कोई अगर लव सॉन्ग है तो लव टाइप की स्टोरी लिख दो, और अगर दबंगई टाइप की है जैसे पंजाबी में क्या नाम है उसका सिद्धू मूसेवाला को आप सब जानते होंगे, तो वो जैसे आजकल क्या कहना है टाइप के गाने बनाता है स्टोरीज उसके गाने में आप देखते होंगे, तो वैसी स्टोरीज लिखो आप, वैसे वीडियो शूट करो, जिससे क्या होता है कि आपके गाने तो लोग सुनते हैं साथ साथ में स्टोरी को भी देखते हैं, जिससे कितने लोगों को तो गाना नहीं याद होता स्टोरी याद होती है, तो फिर वो गाना फिर चर्चित में आ जाता है चर्चे में, हाँ भाई ये गाना था इस गाने में मैंने ये दिखा था स्टोरी ये थी, हाँ तो चल फिर से सुनते हैं तो वो सुनते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर आपको गाना अच्छा होता है तो सब गाना सुनते हैं, गाने खाते हैं, स्टोरी भी सुनते हैं, तो ये तीसरी चीज़ थी कि फेमस होने की। और चौथी चीज़ एडवर्टाइजमेंट, मैंने पहले बताया एडवर्टाइज प्रमोट करो, चौथी चीज़ होती है एडवर्टाइजमेंट, अपने चैनल को एडवर्टाइज करो, हर जगह एडवर्टाइज
मेंट करो उसका, मतलब हर जगह एडवर्टाइज करते रहो कि हाँ ये मेरा चैनल ऐसे ऐसे, तो एडवर्टाइज से भी आप अपने चैनल को व्यूज़ पा सकते हो और लाइक्स कमेंट उस पर बहुत सारे कर सकते हो। बाकी बस मैं तो जहाँ तक समझते हैं, बाकी मेरे नज़र में दो तीन हैं जो जैसे वन डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट, G23 का चैनल, G23 जो चैनल है उसका नाम भी आपने सुना होगा, बूरी जसमाना जिसके जो सॉन्ग आते रहते हैं उनके चैनल, उनका एक खुद का शायद है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ GK डिजिटल करके है वो, GK डिजिटल वो क्या करती है उनकी वीडियो को प्रमोट करने का काम करती है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि आपने GK डिजिटल मीडिया जो G23 के सारे गाने को प्रमोट करती रहती है, एडवर्टाइज करती रहती है, तो जैसे कि G23 चैनल का नाम सुना ही होगा जिसमें जसमानक दूरी अपने गाने निकालते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने हर गाने को GK डिजिटल मीडिया के द्वारा प्रमोट करते रहते हैं, एडवर्टाइज करती है वो। तो आप भी ऐसा करो कि कोई ऐसा पकड़ लो जो कम बजट में आपके गाने को प्रमोट करे। कवर सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, कवर सॉन्ग तो मतलब छोड़ दो, आप अपने खुद के गाने को उसे प्रमोट करो। जैसे मैंने कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे GK डिजिटल मीडिया हो गया, फिर हो गया वन डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट, और फिर वेन्यू का भी नाम सुना होगा आपने, ये तीन कंपनियाँ मैं जैसे जानता हूँ। और बाकी आप अगर सर्च करना चाहो तो एक YBRL करके आया, YBRL नया आया, उससे मैंने बात की तो वो आपके 50-60 हज़ार में गाने को एडवर्टाइज कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, इस पर आपको 5-6 मिलियन या फिर 10 मिलियन तक, 10 मिलियन जाने के बाद एक तरफ से गाना मैं तो समझता हूँ हिट हो जाता है, तो वो आपको दे सकता है। तो अगर आप इतना बजट रखते हो तो करो, मैं तो आने वाले समय में मैं तो करूँगा, पक्का करूँगा। और चौथी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, आप अपने चैनल पर वर्क कर रहे हो अच्छी बात है करो, लेकिन अगर आपके पास बजट है, बढ़िया बजट है, तो आप बड़े चैनल को खोलो, जैसे T-सीरीज़ का पंजाबी चैनल, T-सीरीज़ पंजाबी, और फिर स्पीड रिकॉर्ड्स, फिर और भी वगैरह दो तीन चैनल होंगे, जैसे सोनी तो बड़ी कंपनी, लेकिन सोनी T-सीरीज़ पंजाबी, एक तो T-सीरीज़ है, T-सीरीज़ पंजाबी, T-सीरीज़ पंजाबी की अगर आप बात करो तो उसकी बात होती है, तो ऐसे बड़े चैनल पकड़ दो जिसपे आप अपना काम उस पर वीडियो डालो, बढ़िया कंटेंट वीडियो डालें, तो वहाँ से वीडियो हिट होने के, आपके हिट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और बात रही कि मैं अगर कुछ सिंगरों की बात करूँ, पंजाबी सिंगर जो भी हैं, तो वो भी ऐसे उन्होंने अपना चैनल बना रखा, हाँ बनाया, लेकिन बाद में बनाया तो, लेकिन बाद में उस पर कुछ वीडियो डाले, पहले उन्होंने अदर चैनल से T-सीरीज़ पंजाबी, ट्रोल पंजाबी, फिर स्पीड रिकॉर्ड, ये सब जो चैनल हैं इस पर उन्होंने अपने वीडियो बनाए हैं, वहाँ से ये वीडियो के फिर उन्होंने अपने चैनल तो बना होगा, फिर बाद में इस पर उन्होंने वीडियो डाले, तो क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग तो ऐसे बढ़ गई, तो वो वीडियो कहीं पर भी डालें, वीडियो ऐसे ही हिट होती रहती, वायरल होती रहती है, तो उन्होंने वहाँ से मतलब आप अपना करियर बना सकते हो, गाने आप ये कर सकते हैं। तो ये मैं चौकी रह दूँगा, बाकी बस इस वीडियो में इतनी कुछ बताने वाला हूँ, और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, कि आपने मेरे वीडियो को इतना प्यार किया, और एक साल मुझे कंप्लीट हो गए 13 जून को। तो कैसी लगी ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, हाँ यशपाल सिंह चैनल पे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी प्यार करते रहो यार, वीडियो को शेयर करते रहो, फैलाते रहो बहुत दूर दूर तक, जहाँ मिलकर वहाँ फैला दो, और सब्सक्राइब बटन फिर से दबा देना यार, अगर नहीं दबाना तो दबा दो, और फिर बेल आइकॉन बटन भी दबा देना, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस इस वीडियो में इतना ही कहना था आपसे, ठीक है, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। अरे अभी तक गए नहीं, राम राम यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।